हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को कौन नहीं जानता। आए दिन वो किसी न किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वहीं एक बार फिर से सपना चौधरी चर्चा का विषय बन गई हैं। लेकिन इस बार सपना किसी डांस वीडियो या म्यूजिक वीडियो की वजह से नहीं बल्कि कानूनी पछड़े में फंसती नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वहीं सपना चौधरी को गिरफ्तार कर लखनऊ की SJM कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। दरअसल सपना चौधरी पर डांस शो के नाम पर लाखों रुपए जमा करने और कार्यक्रम ना कर रकम हड़पने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होनी है। बता दें कि मामला साल 2018 का है, जब 13 अक्टूबर को एक दरोगा ने सपना चौधरी के खिलाफ आशियाना थाने में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उसने अपने शिकायत में आरोप लगाया था कि लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना चौधरी का एक डांस कार्यक्रम होना था, जिसकी हजारों टिकट भी बिक चुकी थी। सपना चौधरी को भी एडवांस रकम दे दी गई थी, लेकिन सपना चौधरी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा। सपना चौधरी ने इस कार्यक्रम के लिए जो पैसे लिए थे वो भी ऑर्गेनाइजर को वापस नहीं किए। अब देखना ये है कि अपने पक्ष में सपना चौधरी अदालत में क्या बयान देती हैं और ये मामला कहां जाकर रुकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।